नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ राव शफात अली। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी हिसाब दो में आपका स्वागत है। आज हमने रुख किया है देहरादून की धर्मपुर विधानसभा का, जहां से बीजेपी विधायक है विनोद चमोली साहब। दरअसल जनता अपने जनप्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुनकर भेजती है, इस उम्मीद में कि उनके क्षेत्र का विकास होगा। कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायक वाकई अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, लेकिन कुछ जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। ये जनता का मंच है नेताजी हिसाब दो, तो इसी में कुछ सवाल रहेंगे जनता के और हिसाब जानेंगे कि 4 से 5 साल के कार्यकाल के दौरान विधायकों ने क्या काम काज किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को। सर स्वागत है। सर देखिए, 4.5 साल का वक्त हो चुका है, तो क्या क्या काम है अभी तक? देखिए, अगर मैं काम को देखूं तो मेरा ये मानना है और क्षेत्र की जनता भी जानती है कि जिस दिन से मैं विधायक बना हूँ, प्रत्येक वार्ड में निरंतर कोई ना कोई काम अभी हो रहा है। बहुत बड़ी कॉन्स्टेंसी है। कुछ प्रमुख काम थे जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाए थे, उन कामों को हम कर पा रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, यहाँ पर रेस्ट कैंप में आरओबी बनना था, फ्लाईओवर बनना था रेलवे स्टेशन से होते हुए। पिछले 25 साल से उसकी डिमांड थी, तमाम बार पिछली सरकारों में प्रयास हुए, लेकिन वो काम नहीं हो पाया था। इस सरकार में हमने, दोनों सरकारों ने तालमेल बिठाया और वो स्थिति आई कि आज 37 करोड़ की लागत से उस पर काम चल रहा है। वो काम हम कर पाए जो पिछले 25-30 सालों में नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, बाईपास है, आज उसकी हालत बहुत ख़राब है। 2011 के बाद से लगातार वहाँ पर विवाद चल रहा था ठेकेदार और विभाग न्यायालय के अंदर। उसमें जितने भी व्यवधान थे वो सारे दूर किए गए, विवाद समाप्त किया गया। 42 करोड़ की लागत से उसके भी टेंडर हो गए हैं और बरसात के तुरंत बाद उस पर काम लगने जा रहा है। 4 लेन रोड बनने जा रही है, एक बड़ा काम है जो कि बहुत लंबे समय से लोग इसकी मांग किए थे, जिसके लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। इसी तरह से अगर आपको ध्यान में होगा, मेवाला क्षेत्र है, हरमजवाला मेवाला, जब मैं चुनाव के दौरान उधर गया था तो वहाँ लोगों ने मुझसे मांग की थी कि भाई बाकी काम तो होते रहेंगे, क्योंकि नए विकसित इलाके हैं। तो ये था कि भाई यहाँ पानी का संकट है, पेयजल का संकट है, इसका समाधान चाहिए। तो मैं भी उस काम में लगा। आज 72 करोड़ की लागत से वहाँ पर वर्ल्ड बैंक के माध्यम से वहाँ पर पेयजल का काम चला था। वहाँ ट्यूबवेल बन रहे हैं, कुछ ट्यूबवेल हमने अपग्रेड किए हैं, ओवरहेड टैंक्स बन रहे हैं और पानी की लाइनें पड़ रही हैं। तो एक बड़ा काम वहाँ पर हम लोग ये कर पाए हैं। इसी क्रम में अमृत योजना के अंतर्गत, क्योंकि मैं कुछ समय तक मेयर भी रहा, तो आपका जो ब्राह्मणवाला क्षेत्र है, आपका जो इंदिरा गांधी मार्ग है, महबूब कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, रुचिपुरा, ये बड़ा एरिया है काफ़ी ISBT के ऊपर और इधर लालपुर से नीचे का, यहाँ पर ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या होती थी। बहुत ही बुरा हाल था। बहुत ही बुरा हाल था। भंडारी बाग भी उसमें से एक है। पेयजल का भी संकट था। तो अमृत योजना में भी लगभग 73 करोड़ की लागत से मैंने वहाँ पर काम किया है, जिसमें ये ड्रेनेज भी सम्मिलित है। और आज वो काम लगभग पूरा हो रहा है। बरसात के बाद उन सड़कों के टेंडर हो रखे हैं, सड़कें भी बनने जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ उस एरिया के लिए, वो अपने आप में था जो आज तक नहीं हो पा रहा था, उसका भी समाधान मैंने इस बीच में किया है। तो इसी प्रकार से और भी जहाँ तक मोहल्लों के अंदर के काम हैं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, उस पर हम लोग करते ही हैं। तो जो जो भी काम मुझे लगा कि होने आवश्यक हैं प्लानिंग के हिसाब से, उन कामों पर मेरा ध्यान रहा। इसमें जो हमारा देरा खास है, विद्या विहार है, ये क्षेत्र है आपका बंजारा वाला और मथुरा वाला, केदारपुर, ये 5 वार्ड है मेरे। यहाँ पर भी सीवर की 400 करोड़ की लागत से लाइनें पड़नी हैं, उसमें सड़कों का निर्माण भी है, वो क्षेत्र का पूरा ड्रेनेज भी है, 5 साल तक मेंटेनेंस भी है। जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी भी हम देंगे। तो 450 करोड़ का कंप्लीट पैकेज उस क्षेत्र के लिए ADB के माध्यम से हमने स्वीकृत कर किया है। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया चल रही है, आपका देरा खास और विद्या विहार की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। वहाँ भी बरसात जैसे समाप्त होकर काम लगना है। अभी काम इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि बारिशें चल रही हैं, अगर हम खुदाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। जैसे ही बारिशें समाप्त होती है वहाँ पर काम शुरू होगा। और बंजारा वाला, मथुरा वाले का जो टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो भी संभवतः 1-1.5 महीने के अंदर वहाँ भी काम शुरू कर देंगे। और 5 साल तक का मेंटेनेंस भी नहीं कहे तो सीवर भी पड़ेगा, ड्रेनेज भी बनेगा, पानी की लाइनें भी पड़ेंगी जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है। और आपका ये सब होने के बाद भी 5 साल तक उसका मेंटेनेंस भी होगा, अपने बहुत बड़ा काम है। 450 करोड़ की लागत है,
जिसको भी हम लोग धरातल पर ला रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे काम ऐसे होंगे भी, क्योंकि नया क्षेत्र है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लगातार लोगों के घर बन रहे, नए नए कॉलोनाइजेशन हो रही है, डिमांड बनी रहती है। हम भी प्रयास करते हैं कि भाई अधिक से अधिक काम हो सके, तो हो सकता है कुछ क्षेत्रों में भी काम रह गया हो, लेकिन हम लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी हमारे पास काम की डिमांड आती है उसका समाधान हम कर पाएँ। थोड़ा व्यवधान इस कोरोना के कारण आया है, क्योंकि पैंडमिक आप जानते पूरी दुनिया से जूझ रही है, पिछले 1.5 साल से काम करना मुश्किल हुआ है, क्योंकि सरकार में भी जो पैसा था वो हमको कोरोना पर डाइवर्ट करना पड़ा, इवन विधायक निधि का पैसा भी हमारा कोरोना में गया काफ़ी हद तक, तो वो भी एक समस्या थी हमारे साथ। तो लेकिन उसके बावजूद हम लोग काफ़ी कुछ कर पाए हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आपकी विधानसभा बहुत बड़ी है, आपने बताया कि 1,95,000 वोट है, तो जाहिर सी बात है कि लोग बहुत उम्मीद करते हैं, नई नई कॉलोनी बन रही है, जैसे वन विहार एक इलाका है, आपने कहा कि पानी की और सीवर लाइनें भी वहाँ पर लग रही है, लेकिन बहुत परेशानी का सामना अभी भी लोगों को करना पड़ रहा है। क्या 1,95,000, क्योंकि जनता बढ़ जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अभी जब वोटर हम फाइनल करेंगे, क्योंकि वोटर बन रहे हैं, तो 2 लाख से ऊपर ये संख्या जाएगी, मतदाता की संख्या जाएगी, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है मतदाता के दृष्टि से। आपने वन विहार का जिक्र किया है, वन विहार में भी अभी पानी की लाइनें पड़ी हैं और उसके भी टेंडर हो रखे हैं। वन विहार का शुरू में 1.5 किलोमीटर हमारा जो बनना है, नहीं उसके टेंडर हो चुके हैं। लेकिन देखिए, 2 कारणों से थोड़ा सा जनता से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि थोड़ा उनको भी परिस्थितियाँ समझनी पड़ेंगी कि एक तो हम कोरोना से जूझ रहे हैं, अभी भी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, लगातार उस पर काम हो रहा है, उसके कारण लगभग 1.5 साल खराब हुआ है, इसके कारण काफ़ी दिक्कतें आई हैं। और दूसरा, बरसातें अभी तक अक्टूबर शुरू होने वाला है, बरसात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब बरसातें थमेंगी तब थोड़ा काम होगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी टेंडर हो रखा उसका। समय कम है ना सर, क्योंकि अब आप देखिए 4 से 6 महीने, देखिए आप मार्च से पहले चुनाव में, देखिए ऐसा है ना, ये मैं भी समझ रहा हूँ, लोग भी समझ रहे हैं, लोगों में भी थोड़ा हड़बड़ाहट है कि अब चुनाव आ गया, हमारे काम अभी तक नहीं हुए, इसलिए लोगों को लगता होगा भाई चुनाव से पहले पहले जितना काम हो सकता है वो भी चाहेंगे उनके काम हो जाए। मैं भी चाहता हूँ काम जल्दी हो जाए, लेकिन प्रकृति से ना वो लड़ सकते ना मैं लड़ सकता हूँ। अगर बारिशें समाप्त नहीं होंगी तो बिटुमिन का काम कैसे करेंगे, बाकी का काम कैसे करेंगे? अभी हम सड़कों के गड्ढे भरने का काम करते हैं, आज सवेरे मटेरियल डालते हैं, शाम तक बारिश पड़ के वो धुल जाता है, हम वो भी करना मुश्किल हो रहा है। तो अब प्रकृति की मार है, थोड़ा बहुत तो सबको सहन करनी पड़े, कुछ हम सहन कर रहे हैं, कुछ वो सहन करें, लेकिन जैसे ही बरसात समाप्त होती है आप देखेंगे 1.5-2 महीने के अंदर बहुत तेज़ी से काम चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेंडर सड़कें हैं, जैसे आपके वन विहार टेंडर सड़क है, टेंडर हो चुका है इसका उस क्षेत्र में, तो ये बहुत सारे काम अभी हुए हैं। इंक्रोचमेंट के टाइम पे आपने देखा होगा मेवाले की पूरी सड़क पर इंक्रोचमेंट हटा, भूतों ना भविष्य थे, कभी सोच नहीं सकता था कोई कि मेवाले में मस्जिद भी 8 फीट पीछे जाए, कभी सोच सकते हैं आप? मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों को, उन्होंने स्वयं में आगे आए, वहाँ के मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम जो हमारे लोग हैं, उन्होंने मेरे आग्रह पर मेरी बात को स्वीकारा और स्वयं में अपनी मस्जिद पीछे की, और जो सड़क के चौड़ीकरण के लिए हमने फर्स्ट फेज का पैसा 47 लाख रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग का दे दिया है, उसमें पोल पीछे होंगे, पानी की लाइनें पीछे होंगी, सेकंड फेज में फिर वो सड़क और नाले का काम होगा, वो हमारा हो गया। आपके लाल पुल से लेके कारगी होते हुए, बंजारा वाला होते हुए हमको जाना है मथुरा वाले तक, यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट फेज का पैसा स्वीकृत हो गया, वो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम उस पर चल रहा है। आपका जो टर्नर रोड पर हमने इंक्रोचमेंट हटाया था उसका हमारा टेंडर प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर हम दोबारा से उस पर नाला बना रहे हैं, सड़क को और बेटर कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट भी हटाया था वहाँ पर भी थोड़ा समय लगा काम होने में, लेकिन आज वो सब के सब काम हो चुके हैं और आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर सब धरातल पर काम दिखाई पड़ने वाला है। तो हम लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। ये ठीक है कि हर आदमी जिसकी समस्या है वो चाहता है मेरे तुरंत हल हो जाए, स्वाभाविक बात है, उसको वहाँ रहना होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ भी हैं, परिस्थितियाँ सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ हैं, पूरे देश के साथ हैं, हम भी उन्हीं परिस्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए, ISBT, क्योंकि देश भर से लोग आते हैं, उतरते हैं, लेकिन एक मैसेज जाता है कि बहुत गंदगी है। ISBT के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ पानी बहुत भरा रहता है, अंदर ISBT के हालात खराब है, और क्योंकि आप ही की विधानसभा तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है, तो ये मैसेज बहुत गलत जाता है पूरे देश में। नहीं, वो हमारे लिए भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। मेयर रहते हुए मैंने वहाँ बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ का ड्रेनेज ठीक नहीं हो पा रहा है। आप देखो, मेन प्रॉब्लम वहाँ ड्रेनेज के कारण, हम जब बनाते हैं तो फिर वैसे हो जाता है। तो अभी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये जो 4-लेन रोड का बाईपास का हो रहा है, उसकी शुरुआत ही ISBT से करने जा रहे हैं। और आज ही मैंने अभी बैठक थी नगर विकास के, हमारी मैंने ये भी कहा है कि एक स्मार्ट टॉयलेट वहाँ पर लोगों के लिए बनाए, लोगों को भी दिक्कत आती है,
और ISBT पर मेरा बड़ा क्लियर कट मानना है कि ISBT को दोबारा से डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर भी बना है, थोड़ा उसका रूट वूट भी ठीक करना चाहिए। तो उस पर भी हम लगे हुए हैं कि ISBT को नई से डिजाइन किया जाए। और वहाँ की जो समस्या, मुझे लगता है जैसे ये 4 लेन का काम शुरू होगा तो उसके बाद समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जहाँ तक फ्लाईओवर के नीचे है, उसमें दिल्ली की तरफ में जो ग्रीनरी होनी है उसका भी MDD में प्रोसेस चल रहा है, उसकी ग्रीनरी हम लोग करने जा रहे हैं, तो वो एरिया ठीक हो जाएगा। थोड़ा बरसात खत्म हो तो हम उस पर काम लगाने वाले। जो आप हिसाब दे रहे हैं 4-5 साल का, उसमें तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर जनता क्या कहती है ये आप? विधायक विनोद चमोली जी ने थोड़े तो काम यहाँ कराए हैं वार्ड में, और थोड़े काम उनके पेंडिंग हैं जो नहीं करा पा रहे हैं, और कुछ दिनों से उनके यहाँ पे वो आ भी नहीं रहे हैं, ना चक्कर मार रहे हैं ना देख रहे हैं वो। विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जितनी भी ये हमारी कॉलोनी की रोड वगैरह समस्याएं हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए ये, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है। हमारी समस्या ये है, हमारे घर का रोड नहीं बनता, मस्जिद के आगे इतना पानी भरा रहता है, कीचड़ रहती है लखी बाग की, उसमें कोई भी काम हमारा नहीं होता। विधायक जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि वो हमारा वोट लिया है उन्होंने, हमारे वार्ड से हमारी सीट से वो जीते हैं, वो 4 साल में एक भी बार हमारे वार्ड के अंदर क्यों नहीं आए? जल्द से जल्द लोगों के बीच जाएं और पूछें उनसे, उनकी समस्याओं को सुनें, उनका निदान करें, सड़कें शौचालय जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट को देखें। धर्मपुर विधानसभा में हमारे यहाँ सबसे जो बेसिक समस्या है, एक तो हमारे यहाँ पानी की है, एक हमारे यहाँ सड़कों के अंदर गड्ढों के अंदर सड़कें हैं, हमारे यहाँ ओवरब्रिज, इसका रेलवे का ओवरब्रिज बनने का प्रस्ताव पिछले कई सालों से चला आ रहा है, उद्घाटन भी हो गए, मंत्री जी रिबन भी गाड़ गए, लेकिन आज तक जो उस पर कोई काम ऐसे चल रहा है बिल्कुल चींटी की माफिक। सड़कें टूटी फूटी हैं रोड में, और आपका गली मोहल्ले में जो है वो नहीं बन पा रही हैं, उससे बड़ी दिक्कत है। बरसातों के टाइम के हिसाब से भाई दिक्कत ही है उस चीज़ के लिए। चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं भाई, जो ये रोड में सड़कें वगैरह हैं ये क्यों नहीं बन पा रही हैं? बहुत दिक्कत है सभी को ही है। सर ये जनता ने देखिए, मैंने आप मिलते नहीं, दो बातें मैंने सुनी हैं, दो बातें नहीं नहीं दो बातें लोगों की शिकायत है कि उनके इलाकों में काम नहीं। देखिए मैं सब बातें स्वीकार सकता हूँ, काम नहीं हुआ ये भी स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि सब काम एक साथ हो भी नहीं सकते, लेकिन विधायक नहीं मिले इस बात को तो मैं सिरे से नकारता हूँ। क्योंकि जिस डेरा खास की बात कर रहे हैं, हर 10-15 दिन में मेरा उस डेरा खास में जाना होता है, और वहाँ तमाम काम मैंने किए, तमाम मेरी विजिटें हैं, आप चाहेंगे मेरे सोशल मीडिया पर देखें, लगातार मेरा वहाँ मूवमेंट है, मैंने काम भी किया है। देखिए मेरा ये मानना है कि मैं विधायक हूँ, सबसे पहले तो मेरी उपलब्धता सुलभ होनी चाहिए, मेरे क्षेत्र में सक्रियता होनी चाहिए, बेसिक फंड है, इनमें पैसा नहीं लगता, इसमें मेरी सिंसियरिटी दिखती है। जो पैसे से होने वाले काम है वो तो हमको शासन पे भी निर्भर रहना पड़ता है, तमाम अथॉरिटीज पे निर्भर रहना पड़ता है, जब स्वीकृतियाँ होंगी तभी हो पाएगा, उसमें हम लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम स्वयं तो उपलब्ध रह सकते हैं। मेरे यहाँ पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक आदमी जानता है कि सवेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं घर पर लोगों को मिलता हूँ, उसके बाद मैं 2-2.5 बजे तक क्षेत्र में होता हूँ, और 2:30 बजे बाद आज पूरी आप विधायक निवास में घूम लीजिए, विनोद चमोली के हवाला हुआ किसी को व्यवस्थित ऑफिस मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं निरंतर यहाँ पिछले 4.5 साल से बैठा हुआ हूँ, सर्दी नहीं देखता, बरसात नहीं देखता, संडे नहीं देखता, छुट्टी नहीं देखता, मैं यहाँ पर नियमित बैठता हूँ 5-6 बजे तक, 2:30-3 बजे से लेकर। अब कोई मुझसे नहीं मिल पा रहा है तो उसने मिलने के प्रयास नहीं किया है, मेरा ऐसा मानना है, अन्यथा मैं जहाँ मुस्लिम कॉलोनी में भी कई बार गया, कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, उस कोरोना में मुस्लिम कॉलोनी क्वारंटाइन था और मैं वहाँ घुसा, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका कि साहब आप क्या कर रहे हैं, मैंने वहाँ मोदी किचन चलाई, मैंने वहाँ राशन बांटे लोगों, अभी मेरा लगातार वहाँ जाना होता है। तो कोरोना के काल में जितना मैं चला, मैं खुद भी कोरोना ग्रसित होकर एम्स में पड़ा रहा इन चक्करों में, आज तक घर वालों की डांट खाता रहता हूँ, जितना राशन मैंने बांटा, जितनी मोदी 8 से 10 हज़ार घरों को हमने रोज़ राशन खाने के पैकेट पहुँचाए हैं मेरी पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर कोरोना काल की इन्होंने बात की, तो मुझे लगता है कि या तो इनका इंटेंशन ठीक नहीं है इसलिए बात बोल रहे हैं, या ये स्वयं में सामाजिक नहीं है तो ये बात बोल रहे हैं। जो समाज में जुड़ा होगा उसको पता चलता होगा कौन आ रहा कौन जा रहा, जो व्यक्ति सामाजिक नहीं होगा, जो सिर्फ अपने घर तक सीमित होगा, संभवतः उसको हमारी एक्टिविटीज नहीं मिल दिखती होंगी, क्योंकि आपको दूसरे की एक्टिविटीज़ देखने के लिए खुद भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद भी समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गतिविधियाँ तो सामाजिक होती है ना, व्यक्तिगत तो नहीं होती, सामाजिक होती है। तो आप अगर समाज में सक्रिय हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने जनप्रतिनिधियों की गतियाँ भी लगातार दिखाई पड़ती होंगी, तमाम बार मेरा जाना होता है।
और कोई मुझ पर ये आरोप नहीं कर सकता कि मैं क्षेत्र में नहीं, तो फेसबुक में मेरा लाइव चलता है सुबह शाम तक, डेली का रूटीन। अब उसको लेकर कोई मेरी सक्रियता लेकर सवाल खड़े करता है, फिर उसकी मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। सर, जैसे आपने कहा कि कोरोना भी था, बहुत सारी दिक्कतें हुई, और क्योंकि सड़कों की दिक्कतें तो सब जगह रहती, लेकिन प्राथमिकता आपकी इन चार साल के दौरान क्या रही कि ये काम इस विधानसभा में प्राथमिकता से? भाई देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बुनियादी काम थे, बड़े काम, जिन कामों को कोई अंजाम नहीं दे पा रहा था। और मेरा ये मानना रहता है कि कुछ अगर मैं आया हूँ इस विधानसभा में, तो कुछ बड़े जो प्रश्न हैं लोगों उनको हल करके जाऊँ, जो बड़ी समस्या उनके समाधान करूँ। तो जिसमें मैंने आपको कुछ बड़े काम गिनाए, जो ROB का काम गिनाया आपका, बाईपास का काम गिनाया मैंने आपको, जो ड्रेनेज के मामले गिनाए मैंने आपको, पेयजल के मामले के लिए, ये बड़े काम है, ये छोटे मोटे काम नहीं है, ये कोई सड़क नाली और पुलिया तक सीमित नहीं है, ये ऐसे काम है जो एक बार हो जाएंगे तो हमेशा बने रहेंगे, बुनियादी काम है। और प्लानिंग मेरा सब्जेक्ट भी है, प्लानिंग पर मैंने हमेशा काम किया है, तो मैंने वो करने का प्रयास किया। जहाँ तक जो रूटीन के काम है, तो मैं देखता हूँ, अभी आप ऑफिस में देखे सब लोग बैठे हुए होंगे, मैं लगातार अपना काम करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, लोगों के कामों के प्रति सकारात्मक मेरा सोच है, विकास कार्यों के लिए मैं लगातार प्रयत्नरत रहता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि शासन स्तर पे अब चीज़ें एक प्रक्रिया से गुजरती हैं, तो उस प्रक्रिया में भी समय लगता है, और सारे काम हो ही जाएं ऐसा क्लेम मैं भी नहीं कर सकता, सरकार ही नहीं कर पाती है। लेकिन हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं और क्षेत्र में काम चल रहे हैं। जनता क्या कहती है, एक बार फिर से आपको सुनना। सड़क वगैरह और भी प्रयास काम किए, अच्छे काम किए वैसे उन्होंने, जी जी, मगर वह क्षेत्र में एक समस्या है, यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया खुल रखा है, जबकि यहाँ पे इंडस्ट्री आउट में जाना चाहिए मोबाइला में। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, गुरुराम राय कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और ये श्रीराम स्कूल है, और दून सल अकेडमी स्कूल है, और बगल में हमारा एक मेडिकल दून मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया बन गया है पूरा, ये यहाँ पे बच्चे का बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है, स्टूडेंट का, बच्चों का भी, और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ट्रक खड़े रहते हैं। इन लोगों ने यहाँ गुडाम बना लिए, जबकि रिहायशी इलाका है, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्मपुर विधानसभा के विधायक हैं माननीय विनोद चमोली जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बहुत अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में। वो जैसे कि नाली है, सड़कें हैं, अच्छा काम हो रहा है। अभी कल परसों ऋषि विहार में उन्होंने एक सड़क का निर्माण किया है, काफ़ी समय से लंबित पड़ा था। तो जैसे कि कोरोना काल में लोगों को मुसीबतों में उन्होंने राशन की किटें बताई हैं, और दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, ऑक्सीजन का भी लाने का कार्य किया था उन्होंने। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे विधायक जी। जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जितना भी काम उन्होंने अभी तक किए हैं सारे लगभग अच्छे किए हैं, और आने वाले समय में और भी अच्छा करेंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं विधायक जी से? जी बिल्कुल, मैं अपने लोकप्रिय विधायक विनोद चौधरी से पूछना चाहता हूँ कि जो भी काम अभी रह गए हैं थोड़े बहुत, उनको भी पूरा करें, समय कम है लेकिन समय के अनुसार पूरा काम करें। आप संतुष्ट हैं उनके काम काज से? जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ, जो भी 1% रह गए हैं वो पूरे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल एक होता है कि समय कम है, लोगों को भी ये है कि चुनाव से पहले पहले काम होने, जैसे आपने देखा कि जनता ने कहा कि बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि 4-6 महीने में काम, क्या हो सकते हैं ऐसा पॉसिबल? देखिए, जितना भी संभव है वो हम करेंगे, और ऐसा नहीं कि यही अंत है, फिर चुनाव में जाएंगे, फिर जनता 5 साल का और समय देगी तो और अधिक काम करेंगे, तो काम कभी समाप्त थोड़े ना होंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों को लगता है चुनाव आ रहा है तो काम सब निपट जाएं, सब हो जाएं। मैं ये कभी क्लेम नहीं करता, मैं इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन काम होते भी जा रहे हैं और काम आते भी जा रहे हैं, तो ये निरंतर प्रक्रिया है। जितना संभव होगा, सरकार से जितना सहयोग मिलेगा, तो उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, तो उतना काम तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद फिर जनता आशीर्वाद देगी तो फिर काम में लगेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है, तो काम तो करेंगे। अच्छा, आप मेयर भी रहे हैं और उस वक्त काफ़ी काम आपने कराया है ऐसा जनता मानती है, आप मेयर के वक्त में ज़्यादा खुश थे या विधायक बनने के बाद ज़्यादा खुश हैं, लोगों के लिए ज़्यादा काम कर पा रहे हैं? देखिए, मेयर एक अलग माइंडसेट था, वो अलग एक काम का तरीका है, विधायक एक अलग तरह की वर्किंग है, तो दोनों में अंतर तो है। वहाँ मुझे स्वयं के निर्णय सारे लेने पड़ते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में चलाता था, अपनी नीतियाँ बनाता था, अपने हिसाब से काम करता था। वहाँ सरकार का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस था, लेकिन मैं वहाँ उसके बावजूद अपना कुछ कर लेता था। विधायक थोड़ा डिफरेंट टाइप की वर्किंग है, तो दोनों में फ़र्क तो है। अरे, ये बात खुश की बात, तो मैं तब भी खुश था, आज भी खुश हूँ, कल मुझे कुछ नहीं भी बनाएंगे तब भी मैं खुश रहूँगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि अधूरे पड़े हैं, बहुत परेशानी का सबब बने हैं शहर के अंदर, इससे पहले तो बेटर पहले ही था कि जब स्मार्ट सिटी नहीं था।
ये लापरवाही अधिकारियों की है, शासन प्रशासन अधिकारियों के? आज भी हमारे नगर विकास की बैठक थी, मैं उसमें था। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा है कि स्मार्ट सिटी के विषय पर अलग से बैठिए, और संभवतः कल या परसों को बैठने वाले हैं स्मार्ट सिटी के विषय पर। वहाँ अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई तो मैं देख रहा हूँ कि सरकार सपोर्ट कर रही है, केंद्र सरकार भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिस स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है, जिस स्तर पर सेंक्शनें मिल रही, एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। तो मैंने अधिकारियों को कहा है कि आखिर इसका फॉल्ट किसका है? धरातल पर काम उतारने की जिम्मेदारी ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। नेता तो परसों कर सकता है, काम तो उन्हीं को करना है, काम उन्हीं को लेना है आगे। तो स्मार्ट सिटी के काम में बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, स्मार्ट सिटी का बड़ा काम है। उसमें थोड़ा सा और तेज़ी आनी चाहिए थी, और आवश्यकता अनुसार काम का चयन होना चाहिए। पहले क्या कराना है, फिर क्या कराना है, फिर क्या कराना है। अब बरसातों में आपने खोद के डाल दिया, अब खोद के डाल दिया तो लोगों को तो असुविधा होगी, तो लोग तो बोलेंगे। तो इसको बरसात से पहले निपटा देना चाहिए, बरसात के बाद लगाना चाहिए था, ऐसा कुछ निर्णय होना चाहिए था। ये दिक्कतें हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की दिक्कत है। निर्णय तो अच्छा ही हुआ, स्मार्ट सिटी बनने इतना पैसा 22,500 करोड़ रुपये इसमें लगना है। जितना पैसा अगर इस 10-12 वार्डों में खर्च होना है, तो मैं तो समझता हूँ बड़ी बात है। बड़ी बात है, पर लेकिन मैं तो कह रहा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अधिकारियों का जिस तरह से उनको काम करना चाहिए नहीं होगा। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अधिकारियों के स्तर पर, भाई आप, मेरा मेयर लगातार घूम रहा हुआ, मेरा विधायक लगातार उन क्षेत्रों में घूम रहा है, बैठकें हो रही हैं, उनकी भी सक्रियता है। मैंने तमाम बार मैं फोटो देखता हूँ, अखबारों को देखता हूँ, तो वो स्मार्ट सिटी कामों पर खड़े रहते हैं, वो जाते हैं, विधायक जी जाते हैं, खजानदार जी, तो कोशिश तो कर रहे हैं ना। लेकिन जिनको काम करना है, जिन अधिकारियों को काम को धरातल पर उतारना है, कहीं ना कहीं उस स्तर पर कोई ना कोई फेल्योर है, उसको गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। अब क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, सभी पार्टियां चुनावी मोड़ में जा चुकी हैं, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार जिनको आप हरा कर गए थे, कद्दावर चेहरा है कांग्रेस का दिनेश अग्रवाल, इस बार पहले से ज़्यादा चुनौती मानते हैं, क्योंकि मोदी पैक्ट कहते हैं लोग इस बार नहीं चलने वाला है, कामकाज चलेंगे? ऐसा नहीं है। जिस तरह जो फीलर्स आ रहे हैं, जो मैं घूम रहा हूँ, तो पहले से ज़्यादा बेहतर माहौल है। पहले मैं सिर्फ मेयर था, एक निश्चित क्षेत्र में मेरा काम था जो नगर निगम का हिस्सा था। विधायक बनने के बाद उन सब हिस्सों में जो उस समय ग्राम सभाएं होती थी, जहां मेरी पकड़ नहीं थी, मेरी पहुंच नहीं थी, आज मैं उन क्षेत्रों में भी काम कर पाया हूं, उन क्षेत्रों में भी लोगों तक पहुंच पाया हूं। तो एक तो ये प्लस है मेरे लिए। दूसरा ये था कि उस समय वो सिटिंग मिनिस्टर थे, लगातार 3 बार के विधायक थे, एक ऑरा था। आज 2 बार चुनाव हार के मेरे पास आएंगे, मेरे चुनाव में आएंगे। और एक और बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि पिछले 4.5 साल में वो क्षेत्र में नहीं है। चुनाव हार जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर बैठ जाएं या लोगों की सुध न लें। इतना बड़ा कोरोना काल चला, लोगों को जान पर बनाई, तमाम लोगों की मौतें हुई हैं, परिवार बर्बाद हुए हैं, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाए। क्षेत्र में उनकी कोई सक्रियता सामने नहीं आती। आज भी कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यक्रम में जाके उनके फोटो वोटो में देख लेता हूँ, लेकिन जैसे क्षेत्र में, भाई जिस क्षेत्र में आपको 15 साल तक विधायक बना हो, मिनिस्टर बनाया हो, आपको इतना बड़ा कद सौंपा हो, उस क्षेत्र के प्रति आपकी कोई सी जिम्मेदारी बनेगी? चुनाव हार जीत तो लगा रहता है, तो आप क्षेत्र के लोगों का ख्याल तो रखेंगे ना, जाएंगे ना उनके सुख दुख में, जाएंगे उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, आगे आएंगे, तो वो तो नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उनकी निष्क्रियता, हमारी उन क्षेत्रों में सक्रियता जहाँ हम पहले थे नहीं। पहले मैं नगर निगम में बहुत सारा समय मेरा एडमिनिस्ट्रेशन उस सब में जाता था, मैं तो पूरा क्षेत्र में ही जाता, मेरा काम है। मुझे लगता है कि चुनाव ज़्यादा आसान होगा बनस्पत पहले चुनाव का। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे 2022 के लिए भी और अब के लिए? देखिए, मेरा तो यही अनुरोध है अपने क्षेत्र की जनता से और पूरे उत्तराखंड की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बनाए रखें, केंद्र में हमारी सरकार चल रही, बेहतर तालमेल है, और आज प्रदेश सरकार के पास विकास के लिए जितना पैसा आ रहा है और जितना हम कर पा रहे हैं, ये गति रुकनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताए और एक बार फिर भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ताकि विकास की गति तेज़ी से आगे बढ़ती रहे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे खास कार्यक्रम नेताजी हिसाब 2 में हमारे साथ मौजूद रहे विनोद चमोली साहब। दावा किया कि विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और हमेशा ऐसे ही
चलते रहेंगे। तो अगले कार्यक्रम में फिर किसी नई शख्सियत से कराएंगे आपको रूबरू, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।